अगर दोस्तों आपके भी स्मार्टफोन में मैसेज आता होगा तो दोस्तों वहां पर टोन बजता होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने रिंगटोन को चेंज करना चाहते हो, यानी कि दोस्तों अपने मैसेज के टोन को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो दोस्तों आप कैसे बदल सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लेटेस्ट तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मैसेज का रिंगटोन चेंज कर सकते हो बिल्कुल एक क्लिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग के ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने बहुत सारे रिंगटोन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ढेर सारे रिंगटोन देखने को आपको मिल जाते हैं, जो कि मैसेज पे जो भी आप यहां से लगाना चाहते हो उसे आपको इस तरीके से टिक कर लेना है। जिस तरीके से मैं यहां पर टिक कर रहा हूं, इस तरीके से आपको भी टिक कर लेना है। नहीं तो दोस्तों अगर आप कोई भी यूट्यूब से मैसेज रिंगटोन के लिए साउंड डाउनलोड किए हैं, यानी कि सॉन्ग लगाना चाहते हो अपने मैसेज के रिंगटोन पर, तो दोस्तों यहां पर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स का, पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप जितने भी सॉन्ग डाउनलोड किए होंगे, यानी कि गाना डाउनलोड किए होंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने रिंगटोन में, यानी कि मैसेज के रिंगटोन में गाना भी सेट कर सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी इस तरीके से टिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारे फोन पर जो भी मैसेज आएगा तो ये रिंगटोन बजेगा, यानी कि ये सॉन्ग बजेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मैसेज पर रिंगटोन चेंज कर सकते हो या लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपके मैसेज पर रिंगटोन लग चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मैसेज पे सॉन्ग लगा सकते हो, यानी कि गाना लगा सकते हो या चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी तरीके के ट्रिक एंड ट्रिप्स की वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।